हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1 टेंथ सम ऑफ योर सेकेंड चैप्टर। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन में हमारे लिए। अ कार वैल्यूड एट ₹8 लाख। कार का जो वैल्यू दिया हुआ है स्टूडेंट्स को कितना दिया हुआ है? 8 लाख। तो ये क्या हो गया मेरा प्रॉपर्टी वैल्यू, बरूबर। इज इंश्योर्ड फॉर 5 लाख। मैंने इंश्योरेंस कितना लेके रखा है इसका? 5 लाख का इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया मेरा IV, बरोबर, इंश्योर्ड वैल्यू। द रेट ऑफ प्रीमियम इज 5% लेस 20%। देखो बहुत अलग अंदाज में दिया हुआ है आपको स्टूडेंट से। जो रेट ऑफ प्रीमियम है वो डायरेक्टली नहीं बोला हुआ है, 5% लेस 20%, ठीक है ना। तो ये जो 20% है वो किसका लेस? ये जो 20% है वो 5% का ही लेस, ठीक है। तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहला 5% लेस 20%। तो ये जो 20% है, 20% मतलब 20/100, करेक्ट। 20/100, 20% किसका? 5% का, बरोबर ना, मल्टीप्लाई बाय 5, ओके। तो कितना हो जाएगा ये? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, करेक्ट। और ये 0, 20 आ गया, ऊपर भी 20, नीचे भी 20, 20 20 कट हो जाएगा, कितना बचेगा? 1, कितना बचेगा? 1, ठीक है। तो मतलब 5% लेस 1%, तो कितना हुआ स्टूडेंट? 4%, कितना हुआ? 4%। ये लेस 20% के, इसको रिबेट बोलते हैं। रिबेट मतलब क्या है? डिस्काउंट एक टाइप का, ठीक है ना। तो एक टाइप का डिस्काउंट दिया हुआ है। तो रेट ऑफ प्रीमियम कितना है यहाँ पर मेरा? 4%, कितना? 4%। तो यहाँ पर मैं रेट ऑफ प्रीमियम लिख देता हूँ। रेट ऑफ प्रीमियम कम्स टू 4%, और कैसा है आपको मालूम पड़ गया, करेक्ट। तो मैंने 5 का 20% निकला तो 1 आ गया, तो 5 में से मैंने 1 लेस कर दिया तो मुझे 4 मिल गया। आगे पूछा हुआ, हाउ मच विल ओनर्स बेयर इंक्लूडिंग द प्रीमियम ऑफ इट्स, इंक्लूडिंग द प्रीमियम इफ द वैल्यू ऑफ द कार इज रिड्यूस्ड टू 60% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। कार को कुछ डैमेज हो गया स्टूडेंट, जिसके वजह से कार का जो वैल्यू है आज की तारीख में 60% हो गया। कितना कितना हो गया? 60% हो गया। तो ओनर को कितना लॉस बियर करना पड़ेगा प्रीमियम के साथ में, ठीक है सर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है ये, बहुत ही अच्छा सम है, ध्यान से देखिए इसे। तो सबसे पहले मैं क्या लिख दूंगा? प्रॉपर्टी वैल्यू, और यहाँ पे हमारा प्रॉपर्टी क्या स्टूडेंट? कार, ठीक है। तो मैंने प्रॉपर्टी वैल्यू नोट डाउन कर दिया, विच इज 8 लाख। नेक्स्ट इंश्योर्ड वैल्यू, इंश्योर्ड वैल्यू कितना मेरा? 5 लाख, बराबर। रेट ऑफ प्रीमियम मैंने फाइंड किया अभी जस्ट, तो मैंने पहले प्रॉपर्टी वैल्यू लिख दिया, इंश्योर्ड वैल्यू लिख दिया। नेक्स्ट लिखूंगा मैं रेट ऑफ प्रीमियम, विच इज नथिंग बट 5 - 20% ऑफ 5, विच गिव्स मी 4, ओके। ये 4 कैसा है मैंने आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे बता दिया। आगे क्या लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ कार इज रिड्यूस टू 60%। अगर कार का वैल्यू 60 हो गया है तो लॉस कितना हुआ है? 40% हो गया, करेक्ट। कार का वैल्यू 60 हो गया तो लॉस कितना हुआ? 40%। तो वैल्यू ऑफ कार रिड्यूस टू 60% मीन्स लॉस ऑफ 40%, ठीक है। तो 40% किसका? डेफिनेटली जो लॉस हो रहा है वो प्रॉपर्टी का होगा ना, तो प्रॉपर्टी वैल्यू का 40% मैं कैलकुलेट करूंगा यहाँ पे लॉस। तो 40% ऑफ 8 लाख, विच इज नथिंग बट 40/100 इंटू 8 लाख, इट गिव मे 3,20,000। तो 3,20,000 का मेरा क्या हो गया स्टूडेंट? लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस हो गया, करेक्ट। अब मुझे देखना कि मुझे मिलेगा कितना। लॉस तो 3,20,000 का हुआ, बट क्लेम कितना मिलेगा? क्लेम पूरा मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि मैंने पूरा प्रॉपर्टी इंश्योर नहीं किया। 8 लाख की प्रॉपर्टी का मैंने सिर्फ 5 लाख का इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो मुझे क्लेम भी पूरा नहीं मिलेगा। तो क्लेम का फॉर्मूला क्या है? क्लेम इक्वल टू लॉस जो कि 3,20,000 इंटू इंश्योर्ड वैल्यू 5 लाख डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू विच इज 8 लाख, ओके स्टूडेंट। तो क्लेम इक्वल टू 3,20,000 इंटू 5 लाख डिवाइड बाई 8 लाख, विच गिव्स मी 2 लाख। कितना मिला मुझे क्लेम? 2 लाख, ओके। ये तो मुझे क्लेम मिल गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था? हाउ मच विल द ओनर बियर, नुकसान कितना बियर करना पड़ेगा इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम के साथ में ओनर को कितना बियर करना पड़ेगा? तो लॉस 320 का हुआ, 320 में से जो 2 लाख उसने रिकवर कर लिया, तो कितना 120 का उसको लॉस बेयर करना पड़ा। अब प्रीमियम बाकी है, प्रीमियम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्रीमियम कितना मेरा? प्रीमियम इक्वल टू 4% ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू, इंश्योर्ड वैल्यू कितना मेरा? 5 लाख।
तो 4% ऑफ 5 लाख जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा मुझे स्टूडेंट, 20,000, करेक्ट। तो हमने देखा यहाँ पे लॉस कितना था, ओनर को लॉस 1,20,000 का बेयर करना पड़ा, प्लस 20 प्रीमियम का भी खर्चा हुआ उसको, तो टोटल लॉस उसको 1,40,000 का होगा स्टूडेंट, ठीक है ना। देखते से कैसे लिखते हैं हम, लॉस ओनर हैज़ टू बियर इंक्लूडिंग प्रीमियम इक्वल टू लॉस माइनस क्लेम, ठीक है, 320 माइनस 2 लाख प्लस प्रीमियम 20,000 विच इज नथिंग बट 1,40,000। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।